Good morning. Today I'm going to describe transformations in computer graphics. A transformation defines or deals the changes in an object or a shape. कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप जो हम ड्रॉ कर रहे हैं या स्क्रीन पे ड्रॉ किया गया हुआ है, उसमें हम कोई चेंजेस करना चाहें तो हम उस चेंजेस को करने के लिए जो टेक्निक्स या जो भी मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कई तरह से हम लोग कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में कई तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले आता है ट्रांसलेशन। देन स्केलिंग, देन रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एंड फिफ्थ इज शियरिंग। तो ये फाइव टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट में परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन। व्हाट इज अ ट्रांसलेशन? Translation is change in the position of an object. कोई भी object एक position से जब दूसरे position पे जाता है तो this kind of change is called the translation. तो जब हम किसी object के position को या object में हम कोई भी transformation करते हैं, जैसे अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हमारा एक सर्कल है, हम इसको दिखाना चाहते हैं कि ये सर्कल यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँचा, तो ये एक्चुअली में इसका जो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, कोऑर्डिनेट पोजीशन चेंज कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है। या कोई ऑब्जेक्ट ये मूव करके, अगर ये इस तरह से है तो मूव करके ऐसे आ रहा है। तो कंप्यूटर्स पे जब हम किसी शेप के या किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो व्हाट वी एक्चुअली डू बिहाइंड सीन, वी रीजेनरेट द सेम ऑब्जेक्ट विद द न्यू कोऑर्डिनेट वैल्यूज। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है तो स्क्रीन के ऊपर इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट पोजीशन है। अब ये ऑब्जेक्ट इस स्क्रीन में मूव करके यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू चेंज कर रहा है। तो हम लोगों को करना क्या एक्चुअली कि हम इस ऑब्जेक्ट को पहले ड्रॉ किए, उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करके जहाँ दिखाना चाहते हैं उस नए पोजीशन का एक नया कोऑर्डिनेट वैल्यू हम जो होगा उस कोऑर्डिनेट वैल्यू को यूज करके हम एक नया ऑब्जेक्ट जेनरेट करेंगे। तो क्या होगा, पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है हम उसको गायब कर लेंगे, हम उसको डिलीट कर देंगे और नए पोजीशन पे हम एक नया ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो यूजर्स को दिखेगा, यूजर्स जो व्यूअर्स को ये व्यू होगा, वो लगेगा कि ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से अगले किसी नए पोजीशन पे मूव कर गया, आगे बढ़ गया। तो एक्चुअली में हम लोगों को किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए करना क्या होता है कि वी रीजेनरेट अ न्यू इमेज विद द न्यू कोऑर्डिनेट वैल्यू एंड वी इरेज द प्रीवियस ड्रॉन इमेज। देन द व्यूअर्स सी दैट द प्रीवियस ऑब्जेक्ट मूव्स टू न्यू पोजीशन। तो दिस इज एक्चुअली हाउ वी परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स। हम नए ऑब्जेक्ट को रिड्रॉ करते हैं और फिर नए पोजीशन पे और हम उसको यूजर को
व्यू कराते हैं, ऐसा यूजर को फील होता है कि वो सेम ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, वो पोजीशन बदल गया, उसका डायरेक्शन चेंज कर गया, या उसका शेप या उसका साइज चेंज कर गया। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि उस पुराने इमेज को गैप करके नए इमेज को जनरेट किया जाता है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन को अब हम लोग समझ रहे हैं। तो ट्रांसलेशन में करना क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। जैसे यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया, अब इस ऑब्जेक्ट का हम कोऑर्डिनेट पोजीशन मानते हैं कि जैसे ये इसका x कोऑर्डिनेट, ये x1 और ये x2, ये y1 और ये y2 है। अब ये x1 अज्यूम करते हैं यहाँ पे इसका है 10, 20, y1 40 और 17 है। तो अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हमारा ये y1 और y2 सेम बन रहा है लेकिन x1 और x2 में चेंजेज आ रहा है। यहाँ से ये x1 हो जाएगा अब 40 और x2 हो जाएगा 50। तो कुछ चेंजेस हमारा आ गया x कोऑर्डिनेट में, और फिर हमने सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिड्रॉ किया जिसका x1 y1 चेंज हो गया। तो यूजर को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच गया। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन, व्हेन द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन x डायरेक्शन में होगा या y डायरेक्शन में होगा, या डायगोनल वो ट्रांसलेट करेगा। तो तीन तरह का ट्रांसलेशन हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन या डायगोनल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करने के लिए वी नीड अ ट्रांसलेशन वैल्यू, एंड द ट्रांसलेशन वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड विद द कैपिटल T। दिस इज द ट्रांसलेशन वैल्यू। जब हम x डायरेक्शन में ट्रांसलेशन करेंगे देन वी रिप्रेजेंट द Tx, x डायरेक्शन ट्रांसलेशन वैल्यू। और जब y डायरेक्शन में ट्रांसलेशन करना होगा देन वी रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशन वैल्यू विथ Ty। तो Tx एंड Ty विल बी द ट्रांसलेशन वैल्यूज विच वी विल यूज टू ट्रांसलेट एन ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन और द y डायरेक्शन। तो हाउ डू वी परफॉर्म द ट्रांसलेशन, टू परफॉर्म द ट्रांसलेशन वी कैन सिंपली एड द ट्रांसलेशन वैल्यू इन द प्रेजेंट कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो द ट्रांसलेशन वैल्यू x डैश will be the value of coordinate after the translation. So x dash will be x plus tx and y dash will be y plus ty. So to translate the object we can add the translation values in its x or y coordinates. To translate the object in x direction, we add the translation value tx in the all x coordinate of the object. And to translate the object in y direction, we will add the translation value ty in all the y coordinates of the object.
let's see, this is a rectangle and its x1 is 10 and x2 is 20, y1 is also 10 and y2 is also 20. This is an square. So इस ऑब्जेक्ट का x1 कोऑर्डिनेट 10 है, x2 20 है, सिमिलरली y1 भी 10 है और y2 भी 20 है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। अगर हम इसको x डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हम लोग एक ट्रांसलेशन वैल्यू tx को यूज कर रहे हैं। अब इस ट्रांसलेशन वैल्यू tx को हम 30 मानते हैं, हमने लिया tx वैल्यू 30 और x डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना है तो हम लोग y को छोड़ देंगे, y में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। जब हम x डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को देन y विल बी कांस्टेंट, y विल हैव नो चेंज, बट we will add the translation value tx in the x coordinates, all the x coordinates of the object. So the x1 dash will be x1 plus tx and x2 dash will be x2 plus tx. Now after the translation, what will be the x1 dash and x2 dash? The x1 dash will be x1 plus tx and x1 is 10 and tx is 30. So this is 10 and 30, x1 dash will be 40 and x2 dash is 20 and 30, it is 50. So x1 dash is 40 and x2 dash will be 50. So this is x1 dash and this is x2 dash. So these are the new coordinates of the object after the translation, and we will redraw the same square with using this x1 and x2, and after redrawing the object will be draw here. So y1 and y2 will be same. We will use like this rectangle x1, y1, x2, y2, and this is the previous object. After the translation, x1 will be x1 plus tx. In program, how we will write? And x2 is equal to x2 plus tx. After using this, we again draw the rectangle using the rectangle function. And before drawing the rectangle function, we can delete this image or we can left it. So rectangle x1, y1, x2 and y2. तो अब जो object draw होगा, पहले जो object draw हुआ उसमें हमने x1, y1 और x2, y2 को use किया है, x1 10, x2 20, y1 10, y2 20. तो पहला जो ऑब्जेक्ट हमारा ड्रॉ हुआ इस रेक्टेंगल फंक्शन को यूज करते हुए और इस कोऑर्डिनेट वैल्यू के साथ, उसके बाद हमने क्या किया, एक tx वैल्यू x1 y1 में ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद रेक्टेंगल फंक्शन को फिर से यूज किया। अब जो हमारे पास x1 और x2 है उसका वैल्यू चेंज है, सो दोबारा जो ऑब्जेक्ट हमारा ड्रॉ होगा वो एक नए पोजीशन पे होगा और इसको हम कहेंगे द ट्रांसलेशन इन x डायरेक्शन। इसी तरह से अगर हम y डायरेक्शन में करना चाहते हैं देन वी विल यूज द ट्रांसलेशन वैल्यू ty एंड ऐड द ट्रांसलेशन वैल्यू ty इन ऑल द y कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। And we will add the ty in y coordinates. And
when we use the ty in y coordinates, will object will be drawn in new position, but the translation will be in y direction. It will be translated from downward position. In x, when we use the x direction translation, it is moved from left to right, but when we will use the translation in y direction, it will be moved from top to bottom, because we know that the y coordinates are increases from top to bottom and x coordinates are increases from left to right. So when we apply the translation in y direction, the object will be moved from top to towards bottom. Okay, so all the students must write this translation in the programs, x direction, y direction translation perform करना है एक से और एक प्रोग्राम बनाना है सब लोग एक सर्कल को ड्रॉ करना जो कि मूव करता रहे पूरे स्क्रीन पे. ओके, थैंक यू.